देश में कोरोना फिर से लौट रहा है, सबको सावधान होने की जरूरत है। उत्तराखंड में भी कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं। अभी मामला चिंताजनक तो नहीं है, लेकिन सतर्क करने वाला जरूर है। राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर दून के 2 इलाके फिर कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार चुनावी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सभी दलों के कार्यक्रमों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ में कोविड के गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि जब सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है तो पालन क्या करना है, जबकि बीजेपी वैक्सीनेशन को बड़ी उपलब्धि बता रही है। सरकार ने गाइडलाइन रखी कहाँ है? सरकार गाइडलाइन रखेगी तो उसका पालन होगा। मैं ये तो कह रहा हूँ कि सरकार इसमें प्रभावी निर्णय ले, गाइडलाइन जारी करे। उत्तराखंड में लगभग 100% लोगों को पहली वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है और दूसरी डोज लगाने के लिए स्लॉट उपलब्ध हैं। वैक्सीन की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, साधनों की, संसाधनों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं और सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि सभी दूसरी डोज भी शीघ्र लगाएं। और हमने कोरोना पर जिस प्रकार से विजय प्राप्त की है उसको हमने आगे भी जारी रखना है। और अगर वैक्सीन लगे हुए व्यक्ति को कोरोना हो भी जाता है तो वो उतना घातक नहीं होता, उससे उसके जीवन खतरे में नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जिनको एक डोज लग चुकी है कृपया वे शीघ्र अतिशीघ्र दूसरी डोज भी लगवाएं। सर, अगर बात करें